आप लोगों को दोस्तों ऐसे नॉर्मली पहले एक दो दिन तक आपको वॉक करना है इसके ऊपर, दो तीन दिन ये वॉक कर लेंगे तो आपको स्केटिंग की जो है व्हील समझ में आएगी कि स्केटिंग किस तरफ चल रही है। तो आपको कम से कम हफ्ता दिन लग सकता है, अगर कोई आपका दोस्त रहेगा तो आप तेज़ी से आपका बैलेंस बना रहेगा। शुरू में व्हील पे आपके अंदर बाहर पैर होंगे, नॉर्मली ये सबके साथ होता है। जिस भी आप स्केटिंग चलाते जाएंगे, खड़े होते जाएंगे, एक्टिविटी चलना लगेगा स्केटिंग। तो स्केटिंग में केवल व्हील पेट रखना है, कुछ रखना है, सभी में नॉर्मली चलना, अपने पैर थोड़ा सा नीचा है बिल्कुल सेम वैसे इसको इस पोजिशन रखना है और चलते रहना है। और मुड़ा जाएगा, पहले तो स्टार्टिंग में तो मुड़ा ऐसे ही सीधा पैर रखा है, जैसे ना तो घबराओ मसल के साथ ऐसा होता है, हल्का हल्का ना तीछे रख के चलेंगे। जैसे हम नॉर्मल कैसे चल रहे हैं, देर कैसे चल रहे हैं, वैसे नॉर्मल तुम चलना है इसके, और कोशिश कर हाँ बन रही है ना, नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलो ना, जैसे नॉर्मल चलते हैं नहीं होते वॉक करते हैं वैसे बस पैर को रखना है। चलो वॉक करते रहना, आपको इनलाइन स्केटिंग की व्हील का साइज बहुत बड़ा है। साइज अगर छोटा रहता है तो चलाने में बहुत आसान रहता है, हल्के में पैर नहीं दर्द कर रहा है, लेकिन वेट ज्यादा रहेगा तो दर्द करने लगेगा पैर। दोस्तों जब कोई भी आप इनलाइन स्केट लें, अपने साइज का ही स्केट लें, क्योंकि अगर आप अपने साइज का स्केट नहीं लेते हैं तो ग्रिप और बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये है कास्को दास का 110 mm की व्हील है इनलाइन स्केट। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सा स्केट शूज लेना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी स्केटिंग लें प्रोफेशनल स्केट लें। प्रोफेशनल स्केट पे बैलेंस बनाने में और सीखने में बहुत ही कम समय लगता है और उसकी व्हील भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो स्केटिंग में तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शूज़ यानी शूज़ हार्डवुड का हो, व्हील जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, वायरिंग। ये तीन चीज़ें जो हैं एक स्केट को बहुत ही अच्छा बनाती हैं और बहुत ही स्मूथली रोड पर चलती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप रोड व्हील ही लें, क्योंकि रिंग व्हील भी आती है तो रिंग व्हील की क्वालिटी कुछ और होती है और रोड व्हील की क्वालिटी कुछ और होती है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है रोड व्हील की, क्योंकि रोड पे आप जब भी स्केटिंग चलाएंगे तो उसकी व्हील बहुत तेज़ी से खींचती है, आप ब्रेक लगाते हैं। ये स्केट जो आप कास्को दास का देख रहे हैं इसकी व्हील धीरे धीरे करके ब्रेक लगाने की वजह से कट रही है। सो स्केट आप जब भी लें बढ़िया क्वालिटी का लें, प्रोफेशनल लें, तो आपको ऐसे नॉर्मली वी पैटर्न पे बिल्कुल पैर को रखना है और स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। जैसे जैसे आप वी पैटर्न पे चलते जाएंगे आपका बैलेंस ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैर लड़खड़ाएंगे लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्केटिंग कोई भी सीखता है, ऐसा नहीं कि कोई गिरेगा नहीं,
थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, चोट उतनी नहीं लगती जितना आप वीडियो में देखते हैं, बहुत ही माइनर चोट लगती है। स्केटिंग में बस एक ही पैटर्न आपको पकड़ के चलना है, ही पैटर्न। स्टार्टिंग के 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन आपको जो है कि उस पर वॉक करना है, चलते रहना है। अगर आप अकेले सीखते हैं तो आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। मैंने यहाँ पर जितने लोगों को स्केटिंग सिखाए हैं मैक्सिमम 6 से 7 दिनों में स्केटिंग सीख जाते हैं चलाना। तो दोस्तों आप लोग भी अगर स्केटिंग सीखना चाहते हैं, मेरी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगती है ना, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग भी स्केटिंग चलाना सीख सकें। इंडिया में वैसे धीरे धीरे करके स्केटिंग भी जो है पॉपुलर हो रही है, तो यहाँ पे जितने मेरे स्टूडेंट हैं सभी को मैंने स्केटिंग चलाना सिखाया है। धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है सभी के अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी लोग हैं स्केटिंग सीखना चाहते हैं वो सभी लोग आसानी से सीख सके। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको, और बिल्कुल भी पैटर्न में चलते रहना है। अगर आप सीधा चलने की कोशिश करेंगे तो स्केटिंग थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इनलाइन स्केट में पैर अंदर या बाहर की तरफ होते हैं, तो ये नॉर्मली सबके साथ होता है। कोशिश करिएगा कि आपका व्हील और बूट दोनों सीधा रखिएगा। सीधा नहीं रखा पाएगा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी स्केटिंग जब भी शुरू में स्टार्ट किया चलाना तो मैं भी अपने पैरों को सीधा नहीं रख पा रहा था, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक व्हील और बूट दोनों एकदम बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो स्केटिंग अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो स्केटिंग सीखने से रिलेटेड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्केटिंग सीखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन बताऊँगा। दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, डीकैथलॉन पे ओक्सिलो MF 500 और 900 दोनों अवेलेबल है। प्रोफेशनल स्केट है, इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है। ओक्सिलो MF 900 की कीमत 9,999 है। अगर आपके एरिया में चाहे आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ डीकैथलॉन नहीं है तो अलग से डिलीवरी चार्ज 200 रुपये हैं। उसी तरह है ओक्सिलो MF 500, उसकी भी क्वालिटी दोनों शूज़ की बहुत ही अच्छी है, हार्ड बूट के हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये शूज आप जाकर के ले सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको साइड में लगा दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी अवेलेबल है, बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, अभी कुछ समय पहले आउट ऑफ स्टॉक। तो जो लोग भी अगर स्केटिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी स्केटिंग सीखने से रिलेटेड, व्हील से संबंधित जो भी आपकी समस्याएँ हों मेरे साथ शेयर करिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों यार में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी स्केटिंग सीखना चाहते हैं स्केटिंग आसानी से सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।